हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस टी डिपार्टमेंट RSVA। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं आज करंट अफेयर्स। ऑप्शन है पहला दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, रूस। तो सही ऑप्शन इसका है चाइना। सेकंड पॉइंट बी है चाइना एक ऐसे सैटेलाइट सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो सागर में नज़र रखेगा सैटेलाइट, तो वो देश है चाइना। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने जल्द ही में म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस को राज्य में महामारी घोषित कर दिया है। व्हिच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड द म्यूकर माइकोसिस आर ब्लैक फंगस एज एन एपिडेमिक इन द स्टेट। इसका ऑप्शन है गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो राजस्थान ने इनको ये जो ब्लैक फंगस है इसको राज्य में महामारी घोषित कर दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं इसमें श्री अशोक गहलोत जी। ये फंगस ब्लैक फंगस जो है ज़्यादा शुगर पेशेंट को ये जो ये होते हैं इनके ऊपर ज़्यादा इसका असर हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है शुगर पेशेंट को ब्लैक फंगस जो बीमारी है। अगला क्वेश्चन है किस कंपनी को कोविड 19 के लिए भारत की पहली होम टेस्टिंग किट कोविशेल्प के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है। विच कंपनी हैज ओन द अप्रूवल फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडियाज फर्स्ट होम टेस्ट किट कोविशेल्प फॉर इंडिया फॉर कोविड 19। वो आंसर है इसका पहला HLL लाइफ केयर लिमिटेड, दूसरा है एंगस्ट्रॉम बायोटेक, तीसरा है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस, चौथा है ऑस्कर मेडिकेयर लिमिटेड। तो ये कंपनी जो ये होम टेस्टिंग किट बनाई है ये है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस, इसको भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मिल गई है। अब RT-PCR जो लैब में कोविड जांच के लिए कराया जाता था अब उसको ना करा के हम इसको कोविशेल्फ जो होम टेस्टिंग किट बनाया गया है इसको ला के हम 15 मिनट के अंदर चेक कर सकते हैं कोविड है या नहीं है। इसकी वैल्यू अभी 250 रुपये रखी गई है। तो ये कोविशेल्फ नाम की होम टेस्टिंग किट है जिससे हम पता लगा सकते हैं हमारे अंदर कोविड है या नहीं। अगला क्वेश्चन है दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड का क्या नाम है जो हाल ही में अंटार्कटिका के रोने आइस शेल्फ के पश्चिमी हिस्से से टूटा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग व्हिच हैज ब्रोकन ऑफ रिसेंटली फ्रॉम द वेस्टर्न साइड ऑफ द रोने आइस शेल्फ इन अंटार्कटिका। तो ये इसका ऑप्शन है आइसबर्ग A 76, आइसबर्ग D 52, आइसबर्ग B 44, आइसबर्ग C 23। तो सही ऑप्शन इसका है आइसबर्ग 76। A 76 इसकी ये इतने लंबे साइज में है, इसका साइज 170 किलोमीटर लंबा है और 25 किलोमीटर चौड़ा है। इतने साइज का ये इतनी इसकी आकृति है, ये इतना बड़ा है कि इसमें एक छोटे जो देश हैं वो बस गए हैं। 170 किलोमीटर लंबा, 25 किलोमीटर चौड़ा, आप समझ सकते हैं कितना लंबा ये आइसबर्ग है। ये यहाँ पे हिमखंड जो हो गया है उसकी लंबाई और चौड़ाई है, इतने बड़े आकार में ढह गया है। तो ये थे, अगला क्वेश्चन है इसमें IMD ने जल्द ही में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात यास नामक नए चक्रवाती तूफान के बनने की सूचना दी है। यास नाम किस देश द्वारा दिया गया है। IMD रिसेंटली हैज इन्फॉर्म्ड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू साइक्लोनिक स्टॉर्म नेम्ड साइक्लोन यास इन बे ऑफ बंगाल। विच कंट्री हैज गिवन द नेम यास।
पहला है पाकिस्तान, दूसरा सऊदी अरेबिया, तीसरा ओमान, चौथा कतर। तो ये जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात यास नाम दिया है, ये ओमान ने दिया है। चक्रवाती तूफान के बनने की सूचना दी है और इसका नाम दिया है ओमान देश ने, यास नाम दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने भारतीय स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में मंजूरी मिली है? हाउ मेनी इंडियन साइट्स हैज बीन एडेड टू द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? पहला ऑप्शन है 7, दूसरा 4, तीसरा 6, चौथा 5। तो 7, 4, 6, 5 है, तो इसमें 6 देश हैं, 6 ऐसे कंट्री हैं जिनको मिला है टेंटेटिव लिस्ट में जगह, यूनेस्को वर्ल्ड के हेरिटेज साइट के टेंटेटिव लिस्ट में जगह मिला है। जो हेरिटेज साइट होते हैं उसमें जाने से पहले टेंटेटिव लिस्ट में इनको रखा जाता है, उसके बाद हेरिटेज साइट में डिक्लेयर किया जाता है यूनेस्को में। तो भारत के 6 ऐसे जगहों के नाम मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, मोक्टर ओने को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? मोक्टर ओने हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिज कंट्री। मोक्टर ओने फिर से नियुक्त किया गया है, इसका मतलब ये कहने का है कि इसके पहले भी यहाँ के प्रधानमंत्री थे लेकिन रिजाइन दे दिए थे, दोबारा इनको वहाँ पे चुना गया है। तो ये हैं माली देश के, पहला ऑप्शन है माली देश, दूसरा नाइजर, तीसरा बुर्किना फासो, चौथा है गिनी। तो ये माली देश के थे, माली देश में इनको दोबारा प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है, मोक्टर ओनो को। अगला क्वेश्चन है, तिब्बती निर्वासित सरकार के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द तिब्बतन एग्जाइल गवर्नमेंट? तो पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है इसमें लोबसंग संगे, दूसरा प्रेमा यांगचेंग, तीसरा है बेनकर्म, चौथा है पेन पासेरिंग। तो इन जो चुना गया है यहाँ पे न्यू प्रेसिडेंट वो हैं पेनपा सेरिंग। एक इसको रिप्लेस किए हैं, इसके पहले कौन था, वो थे लोबसंग संगे, वहाँ के प्रेसिडेंट इनके स्थान पे हुए हैं पेनपा सेरिंग। अब तिब्बत पे तो जो कब्जा है वो चीन का है, वहाँ ये रह नहीं सकते, तो भारत में रह रहे हैं धर्मशाला में जो हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है महिला रग्बी विश्व कप 2021 किस देश में आयोजित किया जाएगा? वोमेंस रग्बी वर्ल्ड कप 2021 विल बी हेल्ड इन व्हिच कंट्री? पहला है कनाडा, दूसरा स्पेन, तीसरा न्यूजीलैंड, चौथा इंग्लैंड। तो यहाँ पे ये जो विश्व कप है, रग्बी विश्व कप 2021, पहली बात तो ये 2021 जो है 21 में नहीं होगा, अभी पोस्टपोन हो गया है, 2022 में होगा, अक्टूबर में 2022 में पोस्टपोन हुआ है, लेकिन होगा यहीं पे। 2021 में होना था न्यूजीलैंड में, पोस्टपोन हुआ, लेकिन होगा न्यूजीलैंड में ही। तो वो कंट्री कौन सा है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में और क्रिकेटर, क्रिकेट का जो महिला वर्ल्ड कप है वो भी न्यूजीलैंड में होगा 2022 में। 2023 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप होना है जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों में होगा। तो न्यूजीलैंड में इधर वोमेंस वर्ल्ड कप है, तो 3 वर्ल्ड कप होने हैं 2022 में, क्रिकेट वर्ल्ड कप इधर, 2022 में ही महिला रग्बी विश्व वर्ल्ड कप होगा, और 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों में फीफा वर्ल्ड कप होगा। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ पाकिस्तान? तो पहला ऑप्शन है देखिए मुईद यूसुफ, दूसरा है असद कैसर, तीसरा है सादिक संजारानी, चौथा है नदीम रजा। तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इनको नियुक्त किया गया है पाकिस्तान में मोहित यूसुफ को। ए पार्ट इसका सही ऑप्शन होगा, मोहित यूसुफ। हमारे यहाँ जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो हैं श्री अजीत डोभाल जी हैं, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस समय हैं मिस्टर इमरान खान।
वहाँ के प्रधानमंत्री हैं इस समय। ये थे 22 मई 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ST.RSVA एंड ऑल्सो लाइक शेयर कमेंट एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ओके।